आज मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आई होप दैट आई कैन इंस्पायर मोस्ट ऑफ यू बिकॉज हमारे स्ट्रगल्स सेम होते हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो जाएंगे, हमारी सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, बट वी ऑल आर फाइटिंग द सेम बैटल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. हु आउट ऑफ ऑल ऑफ यू वाज बुलीड एट स्कूल? रेज योर हैंड. हूएवर वाज बुलीड एट स्कूल. किस किस को स्कूल में बुली किया गया था? क्वाइट मेनी फ्यू पीपल लाइक मी. और किस किस को आज तक ये चीज़ अफेक्ट करती है? सी मैनी आर अफेक्टेड. तो मैं भी आर्मी स्कूल गई थी. वो आर्मी स्कूल बहुत कंजर्वेटिव था और मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे अबू मूवीज़ बनाते हैं, मेरी अम्मी सैलॉन से हैं, पॉलिटिक्स से भी हैं, मेरे अबू एक्ट्रेस से मिलते हैं. तो आई वॉज एन आउटकास्ट. सारे कहते थे इस लड़की के साथ तो नहीं बैठना, ये तो जीन्स पहनती है, इसके अबू तो मूवीज़ बनाते हैं, मतलब के. सो आई वॉज दैट गर्ल जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, जो क्लासरूम में अकेले बैठ के लंच खाती थी. तो वहाँ से पैदा हुआ एहसास कमतरी का शिकार हुई मैं. लो सेल्फ एस्टीम जिसे कहते हैं, उस लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आई बिकेम अ पीपल्स प्लीजर. नाउ पीपल्स प्लीजिंग की जो आदत होती है वो इसलिए होती है बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ इन योर ओन आइज. आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई बैकग्राउंड. आई न्यू दैट आई वॉज इन गुड, नो बडी लाइक मी, मुझे कोई पसंद नहीं करता था. बींग मी वॉज नॉट इनफ. आई वॉज इन परफेक्ट. I wanted to be liked. I was hungry to be loved. Outside my family, of course, my parents love me. So, usme ye hua ke out of that fear of rejection, that became such a strong personality trait for me that it stayed with me, and it's not a good thing. To isi mein, I think main A levels mein thi, mere results bhi nahi aaye the, aur mere shaadi tay ho gayi. It was arranged marriage, aur इट वॉज एन अरेंज मैरिज. और उसमें ये हुआ कि पेरेंट्स ने कहा कि बेटा रिश्ता अच्छा है, शादी कर लो. ना मेरी हाँ थी ना मेरी ना थी. पेरेंट्स को लगा कि अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है. तो शादी हो गई, इंग्लैंड चले. अब एक ऐसी लड़की जो बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, हमेशा मेरी सारी डिसीजंस मेरे पेरेंट्स ने बनाई थी मेरे लिए, बहन भाइयों ने बनाई थी, और शादी हो गई. मुझे दुनिया का पता ही नहीं था. अब बीवियाँ तो एडल्ट्स होती हैं, वो बच्चियाँ नहीं होती हैं. They should be respected. They should have responsibilities. I had none and I was married off. तो जब बच्चों को डांट पड़ती है, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, आपको पेरेंट्स से डांट पड़ती है, आपको अपने बहन भाइयों से डांट पड़ती है, बड़े हैं ना, लेट आए घर से, ज़रूर कुछ तुमने गलत किया है, एंड यू नो दैट इज़ ट्रू, सही बात पे डांट पड़ रही है. तो शादी के बाद भी जब मुझे डांट पड़ती थी, आई थॉट हाँ ठीक है, आई एम रॉन्ग. और फियर ऑफ रिजेक्शन, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी. So I was doing everything. I was mirroring the other person. Your favorite color would become my favorite color. Your favorite movie would become my favorite. I had no personality of my own because being me was not enough. तो मैंने इतना कुछ ट्राई किया. मैंने कहा यार I'm doing everything but still be like the other person is not happy with me. I was emotionally exhausted. मैं थक गई थी. मुझे ये पता था, I made this decision in my heart that I want a divorce. But I was scared. There was a fear. Fear of telling my parents. They will be mad at me. Fear of society. Log kya kahenge? Fear of rejection. Fear of being a divorcee. Lekin un sabse pehle ammi abbu ko kaun bataye ki maine shaadi mein nahi rehna, mujhe talaq chahiye. Bahut himmat ki, ammi abbu ko bataya, behan bhai ko bataya. Pyar to mujhse karte hain, beti ko kaun khush nahi dekhna chahta. Lekin unhone kaha beta कोशिश करो कि तलाक ना हो, एक आखिरी ट्राई तो दो. मतलब कि तलाक याफ्ता लड़की बहुत बुरा है, लोग क्या कहेंगे. अच्छा अब लोग क्या कहेंगे. मैंने अपने दिमाग और दिल में एक जंग लड़ना शुरू की. आई वॉज एट वॉर विद माई सेल्फ. आई कुडंट बी विद द मैन. आई नो दैट आई डिडंट वांट टू बी विद द मैन, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी क्योंकि लोग क्या कहेंगे. इस प्रोसेस में बस तकलीफ लंबी हुई और कुछ नहीं. छः महीने बाद सबने देखा कि हाँ, माँ बाप बहन भाई सबने देखा कि हाँ, मतलब कि नहीं निभरी तो डिवोर्स करा ही देनी चाहिए. तो एक यूनैनिमस डिसीजन थी. मैं 21 साल की थी, इंग्लैंड में थी, मैं खुद डिवोर्स ले सकती थी. लेकिन आई डिड नॉट हैव फेथ इन माई ओन डिसीजन मेकिंग पावर. मुझे खुद पर भरोसा नहीं था. मुझे पता था मेरे दिल क्या कहते हैं, लेकिन माई माइंड वॉज नॉट एट पीस विद माई हार्ट. सो आई वॉज एट वॉर विद माई सेल्फ. जिसे कहते हैं ना,
dilemma. तो जब unanimous decision हुआ सारी family का कि अब इसको divorce दे देनी चाहिए, divorce हो गई, मैं वापस पाकिस्तान आ गई. अब हमारा जो माशरा है ना, थोड़ा cruel है, थोड़े nosy हैं. High profile शादी थी तो high profile divorce थी, सबको पता था क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग आ जाते थे पूछने कुछ ना कुछ, जले पे नमक छिड़कने लिए. तो अम्मी ने देखा कि मैं किस तरीके से सफ़र कर रही हूँ, अम्मी ने मेरी तकलीफ़ देखी और अम्मी ने सोचा कि इसको इंग्लैंड भेज देना चाहिए. अम्मी ने कहा जाओ तुम इंग्लैंड जाओ. मैंने कहा इंग्लैंड जाओ मतलब? अम्मी ने कहती जाओ, जाके जॉब करो, कमाओ, अपना इंडिपेंडेंटली रहो, मतलब कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी. बट आई हैव टू बी माई ओन राज. आई वॉज माई ओन राज. तो अब जिस बच्ची ने कभी ज़िंदगी में डिवोर्स भी खुद से नहीं ले पाई, उसको कहा जा रहा है गो लिव इट इंडिपेंडेंटली. अम्मी ने कहा हम सब तुम्हारे साथ हैं, यू हैव अस टू फॉल बैक ऑन, तुम्हारे बहन भाई हैं तुम्हारे लिए, बट टू मूव ऑन इन लाइफ तुम्हें दुनिया का पता चले, यू टू शेल्टर्ड. मैं चली गई इंग्लैंड, आई लिव्ड ऑन माई ओन. पहली दफ़ा दुनिया का पता चला, लोगों से मिली, लिव्ड आउटसाइड द फैमिली, जॉब की, पैसे की कदर हुई. एक घंटे में मुझे, मेरे ख्याल से एक घंटे के काम करने के मुझे 12 पाउंड मिलते थे. प्रोफेशनली मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में आ गई. मेरी अम्मी का सैलॉन था, अबू मूवीज़ बनाते थे, तो आई चोज सैलॉन बिजनेस. मैंने सैलॉन स्टार्ट किए इंग्लैंड में, अमेरिका में. मैं अमेरिका मूव हो गई. अब अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रही थी और अपना चाहते हुए भी उन पर बर्डन बन जाते हैं. मेहनत में बहुत करती थी, आई परसूड माई पैशन ऑफ ब्यूटी एंड आई वॉज सक्सेसफुल एट इट. लेकिन स्टिल आई वॉज सैड. मैं बहुत उदास थी, मैं बहुत अकेला महसूस करती थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे. जिम काम घर, जिम काम घर, ये मेरी रूटीन थी. तो जब यू आर स्टक इन अ रट, जब आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाए जिससे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन ना हो, तो आप क्या करते हैं? यू मेक अ मूव. क्योंकि ना चाहते हुए भी मैं एक्सटेंडेड फैमिली पे बर्डन थी, तो वही पीपल प्लीजिंग की आदत, लिविंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, लिविंग इन फियर, ठीक है ना, कि ओ इनको कुछ बुरा ना लग जाए. बट आई वॉन्ट टू फील एट होम, सो आई वेंट होम टू माई मॉम. आई मूव बैक टू लाहौर. लाहौर से आके मैंने फिर ब्यूटी की इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, मेहनत की, काम किया. और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती. इफ़ यू परसू योर पैशन, आप लव मिस जो जो हैं अपने पैशन को परसू कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो कभी रायगा नहीं जाएगी, उसकी फ्रूएशन आपको मिलेगी. अब इस चक्कर में पीपल प्लीजिंग तो वो ट्रेट मेरे पास था, डिप्रेशन भी, थोड़ा सा एंजाइटी भी. उसकी वजह से ये हुआ कि आई वॉज एवरीवेयर. आई मेट न्यू पीपल एंड आई ट्राइड माई हार्ट टू बी देयर फ्रेंड. आई ट्राइड माई हार्ट कि दे लाइक मी. आई वॉज गोइंग आउट ऑफ माई वे, आई वॉज बर्निंग आउट कि ये बस मुझे पसंद करे, मुझे लोगों से सुनने में मिले कि ज़ोया बहुत अच्छी लड़की है. आई वॉन्टेड एवरीबडी टू फॉल इन लव विद मी. और अगर मुझे पता चलता था ना कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, इट यूज़ टू रियली अपसेट मी. तो वहाँ से मैं अपनी असल एम्बिशन, अपनी असल लाइफ की डायरेक्शन से मैं हट गई. अम्मी अबू ने कहा कि बेटा यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फैमिली, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपनी सेहत पे ध्यान दो, क्या लगी हुई हो तुम इधर उधर, मतलब कि इट वॉज बर्निंग मी आउट. आई वॉज़न्ट माई सेल्फ, इट वॉज वेरी टायरिंग बिकॉज आई हैड दिस फियर. एक लंबी लाइन थी एक फियर्स की. सो आई वॉज रियली लकी टू कम अक्रॉस दिस टू पीपल हु आर माई फ्रेंड्स. दे सॉ राइट थ्रू मी. उन्होंने मुझे शीशा दिखाया. उस शीशे में उन्होंने देखा कि देखो अपने फ्लॉज. लेकिन वो मेरे फ्लॉज नहीं थे, वो मेरी इनसिक्योरिटीज़ थी. उन्होंने देखा कि मैं कितनी ट्राई करती हूँ टू मेक एवरीबडी लाइक मी. उन्होंने कहा व्हाई डू यू ट्राई सो हार्ड, इफ दे आर योर फ्रेंड्स दे विल लव यू रिगार्डलेस, लाइक योर पेरेंट्स लव यू रिगार्डलेस विद योर फ्लॉज, दे शुड बी एबल टू डू द सेम. यू नीड टू बी योर सेल्फ एंड हैव इनफ फेथ इन योर सेल्फ. यू शुड लव योर सेल्फ इनफ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ टू बी योर सेल्फ, ताकि अगला बंदा भी अगर तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम्हारी वजह से हो. अदरवाइज इट्स लोनली फॉर यू, इट्स सैड फॉर यू. मैंने ये बात रियलाइज की और मैंने सोचा हाँ बात तो सही कह रहे हैं. देर विल ऑलवेज बी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु लव मी, हु लाइक मी, हु आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स मी, हु डोंट लाइक मी, हु हेट मी, एंड आई हैव टू बी ओके विद इट. वर्ल्ड इज इन्ट परफेक्ट. You are not supposed to be perfect. It's fine.
कि मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ सिचुएशंस ही ऐसी थी, फर्स्ट द फियर ऑफ रिजेक्शन बिकॉज ऑफ बीइंग बुलीड, बिकॉज ऑफ बीइंग अ फियर ऑफ बीइंग अ डिसअपॉइंटमेंट, फियर ऑफ बीइंग अ बर्डन, फियर ऑफ बीइंग अ डिवोर्सी. तो मैंने ये बात रियलाइज़ की कि हाँ, आई हैव टू बी ओके विद इट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट. इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग यू कैन, यू आर नाइस, यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, उसके बावजूद वो लोग आपसे खुश नहीं है, तो वो उनकी उनका मसला है, वो आपका मसला नहीं है. इट्स देयर प्रॉब्लम एंड नॉट योर्स. When I realized this, तब मुझे पता चला कि it's okay to be flawed. उसके बाद my mind was at peace with my heart. मैं 27 साल से इस किस्म के सुकून को, दिली सुकून को नहीं जानती थी, इस किस्म के जहनी सुकून को नहीं जानती थी, जो मुझे ये सारी चीज़ें accept करने के बाद पता चला. अब now everything was under control again. And then I decided to become an actress. क्योंकि नाना भी मूवीज में थे, अबू भी मूवीज बनाते थे, तो वो एक कीड़ा जो होता है वो तो था. तो बाकी बहन भाइयों में से किसी और ने फील्ड नहीं पकड़ी, मैंने सोचा अच्छा मैं ही कर लेती हूँ. अब मुझे सबसे इजाज़त मिल गई, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा भाई है, मानी भाई, जिन्होंने मुझसे बाप से भी ज़्यादा प्यार किया है, जिन्होंने मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा जोया, तुम अगर एक्ट्रेस बनी तो मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ. यू विल नॉट सी मी अगेन, आई विल नेवर टॉक टू यू. So all those insecurities, those anxieties, depression, सारे जो मेरे डर थे, खौफ थे, वो सारे ऐसे वापस आए जैसे कहीं गए नहीं थे. Fear of losing my brother, fear of disappointment. ऊपर से it was a big career move rather late in my age. मैं 27 साल की थी. एक जगह सैलॉन बिजनेस है जहाँ से पैसे भी आ रहे हैं और एक सर्टन फ्यूचर है, एक गारंटी है फ्यूचर की. एक जगह आप एक्ट्रेस बनने जा रहे हैं, आप कामयाब होंगे, आप नहीं होंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता. ऊपर से भाई ने कहा कि वो तो बात ही नहीं करेगा, मुझे डिसओन कर देगा. तो मेरी एन्जाइटी इतनी सवेर थी कि मुझे 3 महीने नींद नहीं आई. मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी. जो सारे गाने बने हैं ना, ऐसा प्यार की वजह से नहीं होता, ऐसा एन्जाइटी की वजह से होता है. तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि ठीक है, मैं चैनल वालों को फ़ोन करके ना मैं मना करने लगी कि आई कांट डू दिस. अब मैं फ़ोन करने लगी और मेरी बहन की मुझे कॉल आती है इंग्लैंड से और मुझे कहती है कि जोया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी. मैंने कहा साशा क्या कह रही हो, मतलब कि मानी भी ने कहा है कि वो मुझसे बात नहीं करेगी ज़िंदगी भर. तो मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम इतना डर क्यों रही हो, उसमें डरने वाली क्या बात है, वो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो तुमसे ज़िंदगी भर बात ना करें? क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीने बात नहीं करेंगे, 2 महीने बात नहीं करेंगे, डांट लेंगे. कहती लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक्ट्रेस होने की वजह से वो तुमसे ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे? मैंने सोचा हाँ, वैसे मैं इतना डर क्यों रही हूँ, बात तो सही है, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, थोड़ा सा डांट लेंगे. और वैसे भी सारे अग्री कर चुके हैं, मेरे पेरेंट्स, बाकी सारे बहन भाई, तो कोई बात नहीं, मैंने मना लूँगी. एंड दैट्स हाउ आई बिकेम एन एक्ट्रेस. सोचिए अगर मेरी बहन मुझे फ़ोन करके ना मना करती और मुझे बताती कि इट्स द फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अ बर्डन, फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, fear of losing somebody that I almost didn't follow my heart. और फिर वो मेरे दिल और दिमाग की जंग जारी रहती है, एंड आई वुड हैव बीन टेरिबल. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द ड्रामा इज़ अबाउट अ मिडिल क्लास गर्ल हु गेट्स मैरिड टू दिस पर्सन, और वो एक अब्यूसिव मैरिज में है, एंड शी इज़ विलिंग, शी वॉन्ट्स टू गेट डिवोर्स, लेकिन लोग क्या कहेंगे. एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डू दिस, बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर इट. और मज़े की बात यह है कि शूटिंग कराची में थी, जहाँ पे मानी भी रहते हैं, और मानी भी के घर में रह के मैं शूट पे जाती थी, उनकी इजाज़त के बगैर उनकी गाड़ी भी यूज़ कर ली, ड्रामा रिलीज़ भी हो गया, ही स्टिल लव्स मी, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुए. तो इसमें एक ये मैसेज है कि आई लिव थ्रू माई वर्स्ट फियर्स. शुरू से, स्कूल से लेकर अब तक, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स थी वो डिसीजन मेकिंग में नहीं थी. दैट वॉज बिकॉज आई वॉज अनकम्फर्टेबल विद द डिसीजन मेकिंग पावर. I didn't have enough faith on myself. I kept second guessing myself because of how I was treated and let it get to me. All I needed was my parents, true friends, and voila. Do not be afraid. Respect yourself, love yourself. If you know what is right in your heart, do not be afraid to make that decision. Log kya kahein se mat dare. Agar aapki conscious clear hai, agar aapko pata hai ki aapne kisi ko hurt nahi kiya, kisi ko nuksan nahi pahunchaya, kisi ka dil nahi dukhaya, आपको वो एक बुरा इंसान नहीं बनाती आपके एक्शंस. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आपने अपना ध्यान खुद रखना है.
So first you start by breaking the inner fear, which is the self-confidence. जो self आप अपने आप को doubt करते हैं, अपना The second shell is the outer shell of your appearance, of showing your personality to the world. And then the third shell is the fear of society, लोग क्या कहेंगे. And when you overcome those fears, nothing can stop you. I hope this really helped, this really inspired some of you. Thank you so much.